हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं सर्विस वाइज कंपटीशन। ये अपना सर्विस टैक्स में ही आता है, सर्विस टैक्स के पार्ट है। इसमें से हमेशा 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शन भी रहते हैं, 15 मार्क्स इसी का ही ऑप्शन रहता है। तो इसके वेरियस टाइप्स है। अगर कुछ पॉइंट्स आप कर लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सा चीज़ टैक्सेबल है और कौन सा इंट। अगर आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा चीज़ टैक्सेबल है और कौन सा नॉन टैक्सेबल है, तो आप इसको कर सकते हो। तो कुछ इसके तीन पार्ट बनाऊंगी मैं, तीन पार्ट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? तो किसी चीज़ का ग्रोथ होता है जब एग्रीकल्चर में, आपको तो पता ही होगा कि खेती वगैरह कृषिकरण बोलते हैं। तो नॉन टैक्सेबल सर्विसेज एंड टैक्सेबल सर्विसेज। तो नॉन टैक्सेबल सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले नॉन टैक्सेबल देखते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस टैक्सेबल। प्राइमरी मार्केट सर्विसेज। प्राइमरी मार्केट सर्विस मीन्स व्हाट? कटिंग, कटिंग, सन्डरिंग, कूलिंग, हार्वेस्टिंग, टेंडिंग, क्लीनिंग, टीमिंग, शॉर्टिंग, बल्क पैकिंग, सच ऑपरेशन विच डज नॉट मेक आफ्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू मेक इट एनी मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। इट डज ऑल्सो इंक्लूड रेयरिंग ऑफ सिल्क, वॉर्म एक्सेट्रा। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट सर्विस का। प्राइमरी मार्केट मीन्स की ग्रोविंग है प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, गुड्स हैं, वो हो गया प्राइमरी मार्केट। देन आफ्टर सर्विस सप्लाई ऑफ फॉर्म लेबर टू सर्विस रिसीवर, क्लीनिंग ऑफ वीट, मतलब वीट क्लीन करते हैं ना, फार्म लेबर हो गया, ये सब जो भी अभी एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें फार्म लेबर, सर्विस रिसीवर हो गया, क्लीनिंग ऑफ वीट हो गया, वीट वगैरह क्लीन करता है। एंड इफ द सेम इज डन आउट ऑफ द फार्म हाउस, जो भी फार्म हाउस से आउट ऑफ होता है, जैसे कि खेती किया तो फार्म हाउस से जो भी निकलता है वो हो गया। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन सच हैज ट्रैक्टर, किसी किराए पे कोई चीज दिया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह दे दिया, पेस्टिसाइड स्प्रे मशीन वगैरह, क्रॉप कटिंग मशीन वगैरह वेकेंट लैंड पे दे दिया, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी नॉन टैक्सेबल है। लोडिंग, अपलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेट्रा, ये भी अपना नॉन टैक्सेबल है। सर्विस बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, सर्विस बाय ए कमीशन एजेंट फॉर सेल्स और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट राइस, राइस हो गया। देन लीज ऑफ वेकेंट एग्रीकल्चर लैंड विच स्टोरेज शेड एंड ग्रीन हाउस हो गया। देन एनिमल फार्मिंग सच हैज पॉल्यूटरी, तो ये सब हो गए आपके नॉन टैक्सेबल। इसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगता। अगर कोई फार्मर है, लाइक एग्जाम्पल, वो क्रॉप उगाता है, क्रॉप के लिए उगाने के लिए वो ट्रैक्टर खरीदता है, मशीन यूज करता है, देन वो खेती के लिए वेरियस वाटर वगैरह एक्सेट्रा जो भी यूज करता है, तो वो सब उसका नॉन टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कौन कौन सी चीजें होंगे अब देखते हैं। तो टैक्सेबल के लिए टैक्सेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस सच हैज कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि एग्रीकल्चर के लिए एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। एंड देहोक शिकिंग ऑफ पेडी इन राइस मिल, ये भी आपका हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया नॉन टैक्सेबल। ओके, ये नॉन टैक्सेबल है। अभी टैक्सेबल कौन कौन सी चीजें हैं? टैक्सेबल में सेकेंडरी प्रोसेस आएगा। एग्रीकल्चर में जो प्राइमरी प्रोसेस करते हैं वो होगा नॉन टैक्सेबल, एंड सेकेंडरी प्रोसेस मतलब जो टैक्सेबल चीजें हैं उसको सेकेंडरी प्रोसेस होगा, जैसे कि रिटेल मार्केट प्रोसेस, पोटैटो चिप और टोमेटो केचप मेकिंग। अभी जैसे कि रिटेल मार्केट प्रोसेस, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे गेहूं बना, राइस बना, टोमेटो बना, तो जो भी बना आफ्टर दैट, जब पोटैटो का चिप्स बनता है, टोमेटो का केचप मेकिंग बनता है, रैप होता है, फैक्ट्री में आता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सो दैट इज सेकेंडरी प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई
उसको हम क्या लेंगे, टैक्सेबल, उसमें टैक्स लगता है। तो एक ही फंडा है कि अगर कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जैसे है तो रॉ मटेरियल जब तक वो रहता है, जब तक वो मार्केट में आता है, वो हो गया अपना नॉन टैक्सेबल। बट जो मार्केट में आ जाता है चावल वगैरह हो गया, तो ये सब हो गया टैक्सेबल। एंड तो ये हो गए हमारे टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ फार्म लेबर नॉन टैक्सेबल है। ओके, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, जो लेबर है वो खेती करता है, फार्मर खेती करता है, सप्लाई करता है ना अपना प्रोडक्ट जो भी है मार्केट में लाकर सेल करता है, तो उसमें उसको क्या टैक्सेबल, उसमें क्या टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट? उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट्स वाई इट इज अ नॉन टैक्सेबल। अगर नॉन टैक्सेबल आता है तो हम कभी भी आंसर जब लिखेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे नील, नॉन टैक्सेबल नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे नील। ओके, देन आपको बोला है वेयर हाउस ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल 125,000। तो वेयर हाउसिंग ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, जो भी वेजिटेबल ऑयल है वो वेयर हाउसिंग में रखा गया, तो किसान के इधर से तो चला गया ना, अभी वो थोड़ी रखा है, अब तो जो डीलर्स हैं उनके पास आ जाते हैं ना, तो वो टैक्सेबल होगा। देन सेल्स ऑफ वीट ऑफ कमीशन बेसिस, तो ये भी वीट है वो कमीशन बेसिस पे है, तो वो भी नॉन टैक्सेबल। अब इसको नॉन टैक्सेबल कैसे समझेंगे? तो सेल्स ऑफ वीट ऑन कमीशन बेसिस, कोई भी सेल्स है वीट है, अभी वो सेल हो रहा है कमीशन बेसिस में, बट है तो किसके पास? अभी भी वो किसान के पास ही है, फार्मर के पास ही है। दैट्स वाई इसको भी हम नील लिखेंगे। देन हायरिंग ऑफ ट्रक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, तो कोई भी चीज हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, वो सब अपना टैक्सेबल होगा। देन लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू शीट फॉर्म, ये भी टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ फार्म हाउस फॉर मैरिज एंड बर्थडे पार्टीज, तो ये बर्थडे पार्टीज वगैरह ये सब भी तो टैक्सेबल हो गए। एंड डस्किंग ऑफ पेड राइस मिल, जो कि आपको मैंने बताया था, तो ये नॉन टैक्सेबल है, एंड दैट्स वाई इट इज अ नील। तो ऐसे करके अब आप टोटल लिखोगे, एंड टोटल लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में बोला है आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 15% रेट ऑफ सर्विस टैक्स इज 15% बोला है आपको सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आपको 15% जो भी इसका टोटल आएगा, इसका 15% देंगे तो आपको आ जाएगा 67,500। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आप नोट्स कैसे लिखोगे? तो इसका नोट्स लिखोगे आप, फर्स्ट आप इसका नोट्स लिखोगे, ये फर्स्ट थिंग था, तो आप किसका फर्स्ट, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये नॉन टैक्सेबल है, तो इसका नोट्स कैसे लिखोगे? सप्लाई ऑफ फार्म लेबर डिस्कवर इन नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस अंडर सर्विस टैक्स डज नॉट बी लाइबल फॉर सर्विस टैक्स, ये लाइबल नहीं होगा सर्विस टैक्स की वजह से, बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में अंडर सर्विस टैक्स डज नॉट बी लाइबल। ओके, फिर देन सेकेंड थिंग इज जो कि हमारा था वेयर हाउसिंग ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, वेयर हाउसिंग ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं करता, एंड और एन एक्टिविटी देयर फॉर टैक्सेबल, और यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल होगी, तो दैट्स वाई ये टैक्सेबल होगा। एंड सिंस वीट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हैंस सर्विस प्रोवाइड सेल्फ ऑन कमीशन बेसिस, दैट्स वाई इट इज अ टैक्सेबल। देन ट्रक हैज बीन गिवेन हायर फॉर द मिनरल विल बी टैक्सेबल बिकॉज नॉट कवर अंडर द नेगेटिव लिस्ट अंडर द सर्विस टैक्स। फिफ्थ पॉइंट इज लीजिंग ऑफ लैंड टू टर्न फार्म स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयरफॉर टैक्सेबल। देन रेंटिंग ऑफ फार्म हाउस नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड इज फुल्ली टैक्सेबल। डेहुस्किंग ऑफ पेडी इन राइस मिल इज डन ऑन जॉब बेसिस एंड जॉब वर्क इज रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्सैक्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। एंड सिंस कंपनी हैज पेड सर्विस टैक्स ऑफ 318,000
during the financial year 2016-17, so their sold assumption so service will be taxable. तो जो आपका ये क्वेश्चन है आप सेम एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे जो टैक्सेबल होगा उसको अमाउंट लिखोगे, नॉन टैक्सेबल है उसको नील लिखोगे, टोटल करोगे. यहाँ पे आपको 318,000 दिया था तो आपने इधर कंक्लूजन में लिखा, देन आफ्टर आपने 15% जो इसमें था वो किया, देन आपका जो ये 7 पॉइंट है आप इस 7 पॉइंट को एक नोट्स के थ्रू आप लिखोगे कि क्यों आपने इसको टैक्सेबल समझा, क्यों आपने इसको नॉन टैक्सेबल समझा, दैट्स इट. तो आपको ऐसे सम करना है. तो ये एक पहला सम था, इसके 3 पार्ट मैं बनाऊंगी. इसमें कुछ इम्पोर्टेंस आपको प्रोवाइड करूंगी, पिक्स होंगे. आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वो लिंक्स में जाकर आप वो पिक्स ले लीजिए, बिकॉज इस पिक्स को लेंगे आप तो आपको समझेगा कहाँ पे क्या जाएगा. एक बार आपको वो समझ गए तो आप इजीली कर सकते हो. थैंक यू.